राजस्थान में लाइट लग गया है और ये हमारे पीछे नौजवान, यहाँ के मुखिया, सारे लोग मौजूद हैं। क्या लगता है राजस्थान का कुछ इतिहास बदलने वाला है कि नहीं? मोदी मर जाए बेहतर भाई बंदू मोदी मर जाए बेहतर हो हा? अरे नहीं चाचा, ऐसे ऐसे शुभ शुभ बात बोलो। मोदी जी काम कर रहे हैं 18 मौज करा रही है संसार ने पूरी ना मौज करा रही है। हाँ मौज करा रही है, मौज कर रही है संसार पूरी, पूरा संसार मौज कर रहा है, मतलब बीजेपी। हाँ बीजेपी बीजेपी। मोदी जी जादूगर है कि नहीं है? जादूगर तो अशोक गहलोत है। मोदी जी कहीं करी आत्मना तो होगी 10 साल हो गया, 10 साल हो गया किशनगढ़ रोड इतनी फुटोड़ी पड़ी है। हाँ। कहीं मोदी जी चुवानी पास कौन करी? 10 साल से सुरेश सिंह रावत MLA। हाँ, सुरेश सिंह रावत 15 साल से। हाँ, लेकिन आज तक हमारे गांव में बिसलपुर का पानी नहीं आया। पानी नहीं आया बिल्कुल नहीं आया कभी भी। मोदी जी कह रहे हर घर में जल, कभी भी पानी ही नहीं आया। तो आपको क्या लगता है पुष्कर विधानसभा में क्या होने वाला है? पुष्कर विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी। मोदी जी आएंगे माहौल बदल जाएगा? मोदी जी आए हैं, चाहे मोदी जी के ऊपर योगी जी आए कोई भी आए, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ही जीतेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त मैं राजस्थान में हूं, राजस्थान में लाइट लग गया है और ये हमारे पीछे नौजवान, यहाँ के मुखिया, सारे लोग मौजूद हैं। तो हमने सोचा क्यों ना भैया, अगर भीड़ लगी है तो हम चर्चा क्यों ना कर लें 2023 का विधानसभा चुनाव में, क्योंकि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा और एक एक सीट से बहुमत मिलने वाली है। तो अब यह तय होगा कि एक सीट से किसका नुकसान होगा और किसका फायदा होगा। ये विधानसभा जो है वो पुष्कर विधानसभा है या अजमेर में आता है, माहौल जानने आए हैं कि राजस्थान के लोग क्या करना चाह रहे हैं, राज या रिवाज। राजस्थान की जनता ने इस बार मन बना लिया है। राजस्थान कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लेकर के किसान ने, गरीब ने, नौजवान ने, सब ने मन बना रखा है इस बार रिवाज बदलेंगे। पार्टी पूरी एकजुट है, पूरी विकास कार्य करा रही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। भैया आप तो योगी आदित्यनाथ भी आपके शहर में, आपके राज्य में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? जानते हैं। हमारे यहाँ नहीं है योगी आदित्यनाथ। हम वो आएंगे प्रचार करेंगे, माहौल बदल जाएगा। नहीं, राहुल गांधी, सचिन पायलट। राहुल गांधी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। बस तीन चेहरा, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। हमारे इस बार बीजेपी का धार्मिक एजेंडा नहीं चलने वाला है, बिल्कुल जीरो है। उन्होंने 10 साल 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम करके जनता को गुमराह किया है। इस बार कांग्रेस सरकार ने काम किया, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट साहब ने, राहुल गांधी जी, सचिन पायलट साहब, इन्होंने एक ही नारा दिया है। इस बार युवाओं को तवज्जो दी जा रही है, उनको टिकट मिल रहा है, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को उठाकर विधानसभा में भेजा जा। क्या हाल है? हाल बहुत बढ़िया है। मजा में। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव आ गया है, एक एक सीट से बहुमत मिलेगा, तो आपको क्या लगता है पुष्कर विधानसभा में क्या होने वाला है? पुष्कर विधानसभा में कांग्रेस जीत जाएगी। कैसे? बहुत बढ़िया। अरे एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, मोदी जी आएंगे माहौल बदल जाएगा। मोदी जी आए हैं, चाहे मोदी जी के ऊपर योगी जी आए कोई भी आए, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ही जीतेगी। पुष्कर विधानसभा में और पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ही कांग्रेस जीतेगी। आपके रिवाज बदल जाएगा। राज बदलेगा। अरे मोदी, योगी, अमित शाह जहाँ जाते हैं वहाँ खेल बिगाड़ देते हैं। उसे राजस्थान में योगी जी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दाल नहीं गलेगी। अरे चाचा क्या बात कर रहे हो, लोग दाल गला लेते हैं नमक डाल के, पपीता डाल के, तो फिर वो दाल ही खराब हो जाएगी। जनता खराब कर देगी, जनता का मूड है अब की बार। हाँ। कि राजस्थान में अच्छी योजनाएं लागू की। अरे जी महारानी वसुंधरा राजे का जानते हैं कि नहीं जानते? सबको जानते हैं, वसुंधरा जी को जानते हैं इस तरह से। लेकिन उसकी अब की वसुंधरा जी को बीजेपी वालों ने खुद नहीं ढकेल रखा है। उनका तो कोई उचित ही नहीं रख रखा, वो तो टिकट के लिए लड़ रही है। उसका टिकट के लिए लड़ रहे हैं और क्या है, वो तो टिकट के लिए लड़ रहे हैं आपस के अंदर। बेहतर आदमी गुजरा का शेद करवा दिया हुआ तो महारानी था की महारानी ने। हाँ, वसुंधरा राजे ने, वसुंधरा राजे। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल बदल जाता है, अमित शाह जहाँ जाते हैं। मैं तो मेहरबानी चाहू मोदी जी ने थाना आप बाड़ा नाकड़ा नहीं मोदी जी से। हाँ थाना यार, मोदी जी ने हाथ जोड़ा, मेहरबानी रखो। हाथ कहाँ जोड़ रहे हैं? अरे अलग रहे हो, माऊ दूर रहो। हाँ। अरे नहीं, वो देश के लिए काम करते हैं। कुछ नहीं काम करते। हाँ। अरे तो देश को कौन बचाएगा? राहुल गांधी बचाएंगे। ले ही लगा दी, कटे पैसे की डीडी लगा दी। हाँ। चेक को पैसा ले, मैं अनपढ़ आदमी कौन सा चेक चलावा? हाँ। अनपढ़ नहीं चला पाएगा, कौन सा फोन चलावा। अरे ऑनलाइन फॉनलाइन सब चल रहा, 18 घंटा काम करते मोदी जी। अरे टेम पर जाओ, भूखा कटे रोटी खाओ जी जाओ।
जाओ आप पधारो, भूखा खाओ जाके पधारो। हाँ जाओ आप, रोटी जी मोदी कटे। हाँ, मतलब आपको लगता है कि मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं? मोदी जी कहीं काम कर रही है? किसे काम कर रही है? ये मोदी का राज महीने पर कटे चुवानी को नहीं दियोड़ी। तुम तो तुम्हारी है ना रेंज पूरी करके यहाँ आया है, तुम्हारा पेट की रेंज पूरी करके आया है, यहाँ कहीं करना है? अच्छा मारो रेंज तो है पूरा करो। अरे पैसा मायोड़ा है, पैसा कुमाओ और तमाशा देखो। अच्छा चाचा जो है एकदम मजे वाली बात कर रहे हैं, पगड़ी पहने हैं और धड़ल्ले से राजस्थानी ठेठ भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी से आप निपट नहीं पाओगे, अशोक गहलोत नहीं निपट पाएंगे? निपट लिया मैं तो, अशोक गहलोत जी बढ़िया मांगे तो। हाँ। बढ़िया है वही जादूगर मोदी जी है। पटोड़ा मैं कहता तो अशोक गहलोत बढ़िया है। क्या लगता है राजस्थान का कुछ इतिहास बदलने वाला है कि नहीं? मोदी मर जाए बेड़ भाई बन जाऊंगा, मोदी मर जाए बेहतर हो। अरे नहीं चाचा, ऐसे ऐसे शुभ शुभ बात बोलो। बाबूजी ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या मतलब है? कारण उड़ते नहीं, कहां से सुनाई नहीं देता? मोदी जी का नाम नहीं सुनेंगे? ये देखिए ये मोबाइल चला रहे, किसका वाला मोबाइल है ये? खरीदा है। हाँ। ये जुगाई वाला है क्या? का क्यों करा खाई है? लुगाई वाला जो नहीं मर्द का है, मारा है लुगाई का ही मांगे है। नहीं लुगाई का वो दिए ना अशोक गहलोत, लुगाई को दिया मानो तीन ने दिया बदुआ ने। बदुआ कुणु बात करी, आदमी मर गया मांगा तो कुणु बात करी वे। हाँ। लेकिन मोदी जी काम कर रहे हैं 18 जी, मौज करा रही है संसार ने पूरी ना। मौज करा रही है? हाँ मौज करा रही है, मौज कर रही है संसार पूरी, पूरा संसार मौज कर रहा है। बीजेपी आए हेलो पार जाओ मौज करो थे। मतलब बीजेपी? हाँ बीजेपी, बीजेपी। हाँ तो बीजेपी काम कर रही है ना? फूल कर रही है काम, कमल का फूल खिलेगा। खिलेगा? हाँ क्यों खिलेगा? खिले मारी मुर्जी, माँ की मुर्जी। हाँ खिला हुआ मैं, खिला बड़ा मैं। हाँ बिल्कुल। अब बार थाने पैसा दे रही है, अगले मते बाग बाग कर रही है, काई काई कर रही है। बार क्यों ना मांग बेर बाबा रोटी का, उन टाइम पर जा रहा की। तो माहौल क्या है वो हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन पगड़ी में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, पता चल गया साहब हम राजस्थान में हैं। अगर बात किया जाए मोदी जी की, मोदी जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं कह नहीं कर रही है, मैं कह अशोक जी, अशोक जी कर रहे हैं। अच्छा ये रिवाज है क्या कानों में ये पहनना? रिवाज रिवाज है भैया, ये कानों में पहनना रिवाज है क्या? रिवाज है, रिवाज है। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी जादूगर है कि नहीं है? जादूगर तो अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत है? नहीं लोग बता रहे हैं मोदी जी हैं। नहीं अशोक गहलोत की गुणा में तो अशोक गहलोत है। जिस दिन मोदी जी की रैली यहाँ होगी ना माहौल बदल जाएगा, लोग बता रहे हैं। भाई बदल जाए लो। हाँ। मानना तो लागे को नहीं बदल तो मानने नहीं लागू। इसका हाथ पकड़ेंगे। अरे हमें तो पायलट साहब है, हाथ मजबूत करना है। खड्डे पड़े मोदी जी कहीं करी आत्मना तो होगी। 10 साल हो गया, 10 साल हो गया किसने रोड इतनी फुटोड़ी पड़ी है। कहीं मोदी जी चुवानी पास कौन करी? चुवानी पास कौन करी? कहीं करी मोदी जी टे? चाचा आप हमारे ऊपर काहे बिरझाए हुए? हमारे ऊपर काहे बिरझाए? इधर आइए कानो देखो हम जैसे। आप क्यों आया थे? मैं बुलाया कि आपको? नहीं मैं आ गया, गलती मेरी है। हाँ नहीं तो मोदी जी से गलती हो गई क्या? यहाँ आएंगे तो मोदी जी काई करी टे? अच्छा मोदी जी काई करी? मैं तो खुद ही मोदी जी। यहाँ खुद मोदी हो? मोदी यहाँ मैं तो हल खड़ा छेड़ी चरावा लड़ी चरावा बी माँ को पेट भरा। मोदी कहीं करी टे? चाचा एक बात बताएं आपको, समझा को नहीं? चाचा सुनो मजबूत है मोदी जी आए ना। तो कुमार भाई कौन का ले मैं खाऊं कुमार? अरे मोदी जी सरकार में इसीलिए आपका ये मजबूत है। मोदी जी कहीं सरकार कहीं काम नहीं करियो? अरे मोदी कहीं काम नहीं करियो? काम नहीं करो? हाथ में देख रहे हो? अरे रुके रुके चल चल गाड़ी ले, किशन ने लगा खाटा देख पहले। अरे चाचा टकाना है तू? अरे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। अरे गलती हो गई चाचा, अरे गलती हो गई चाचा, इतना तक खाटा पड़िया रोड पे गलती हो गई चाचा, परेशान हो साल हो गया रोड खुजोड़ी पड़ी है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, पानी पीने का नहीं है हमारा गाँव पुष्कर में। अरे हमारा गाँव पुष्कर माने काई काम दे? पानी 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 नहीं आयो ना हमारे यहाँ करीब 10 साल से सुरेश सिंह रावत एमएलए। हाँ सुरेश सिंह रावत 15 साल से। हाँ, लेकिन आज तक हमारे गांव में बिसलपुर का पानी नहीं आया। पानी का नहीं आया? पानी, पानी नहीं, नहीं आया बिल्कुल। हाँ। नहीं आया कभी भी। मोदी जी कह रहे हर घर में जल, कभी भी पानी ही नहीं आया। कई बार मोदी जी कह रहे हर घर में जल। अरे चाल तू देख, तू देखे ना आंखों ले चाल मैं चालू दार ले। पानी पीबा का पानी नहीं है? बोर्ड ले आप आ गया
अजीत है क्यों कभी फोन में कहीं क्यों मैं सुरेश सिंह जो राउत है ना वो जीतने के बाद में हमारी साइड के इन गांव में 5 साल में कभी दर्शन देने के लिए नहीं आया। दर्शन देने नहीं आया, दर्शन देने ही नहीं आया, वो दर्शन के लिए नहीं आए। हाँ वो नहीं आए दर्शन। पुष्कर का इतिहास बदलने वाला है, 15 साल का विधायक जाने वाला है, आने वाला जो होगा वो चाचा खोल नहीं रहे पत्ता। लेकिन इनका कहने का मतलब है कांग्रेस के जो अशोक गहलोत हैं वो जादूगर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी कहते हैं हम जहां जाते हैं वहां का माहौल बदल जाता है। राजस्थान का माहौल बदलेगा या नहीं बदलेगा? हमारे एरिया के अंदर सचिन पायलट के पक्ष में ही माहौल बदलेगा। सचिन पायलट, हाँ, अशोक गहलोत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहे। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन। देखिए यहाँ पर माहौल सचिन पायलट का बना हुआ है, लेकिन बात सीधी है, कांग्रेस जीतने वाली है। अब क्या होने वाला है आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।